दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम मेटा क्रिस्टल का आईपीसी नेम, इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर इत्यादि देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर विजिट करें। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपका ये रहा बेंजीन, इस पे आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है ओ एच, और यहाँ पे 1 2 3 थ्री नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है आपका CH3। देखिए 1 2 पोजीशन को हम क्या करते हैं, आपका ऑर्थो, 1 3 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आपका मेटा, और 1 4 पोजीशन को हम आपका पैरा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे पोजीशन होती है। अभी किसकी बात की जा रही है, मेटा की बात की जा रही है। तो यहाँ इसका नाम बन जाएगा, देखिए आपका यह जब होता है बेंजीन और इस पे ओ एच जुड़ा हुआ है, तो इसको आईपीसी में क्या कहते हैं दोस्तों, फिनोल कहते हैं। और यह आपका पेरेंट रिंग की तरह काम करता है। फिनोल किसकी तरह काम करता है, पेरेंट रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, यानी देखिए आईपीसी जब नेम लिखते हैं आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पहला चाहिए पेरेंट रिंग या पेरेंट चैन कहते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट रिंग आपका क्या बनेगा, ये आपका पूरा पेरेंट रिंग बनेगा जिसका क्या नाम है, फिनोल। अब उसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, CH3, ये आपका क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो देखिए पेरेंट रिंग का हम नाम क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं और उस पर नंबरिंग करना होता है पेरेंट रिंग का सिलेक्ट करके। ठीक है, पेरेंट रिंग का सेलेक्ट कर दिया, नंबरिंग कर दिया, उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, अपना सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है दोस्तों, आपका देखो CH3 है। CH3 को हम क्या कहते हैं, देखो एक कार्बन को कहते हैं हम मैथ, यहाँ लिखता हूँ, देखो एक कार्बन को क्या कहते हैं मैथ, इसके पीछे YL जोड़ दो, क्या बन गया, मैथिल। ये कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है आपका, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। देखिए नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से आपका OH यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका तो नाम लिख दिया सब्स्टिट्यूट, अब हम क्या लिखते हैं, इसके पेरेंट का नाम लिख देते हैं यानी पेरेंट रिंग का नाम लिखते हैं। पेरेंट रिंग क्या है, फिनोल। तो इस प्रकार से ये आपका दोस्तों इसका क्या बन जाता है, आईपीसी नेम बन जाता है, क्या बन गया, 3-methylphenol। और इसका ये प्रेफर्ड नाम है। ठीक है, इसका देखिए जो सिस्टमेटिक आईपीसी नेम है, तो सिस्टमेटिक इसका देखिए नेम बनता है, वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिस्टमेटिक इसका नेम कुछ ऐसे बनेगा, ये तो इसका प्रेफर्ड है, वो सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। देखिए आप अपना एनसीईआरटी के एनसीईआरटी को भी एक बार देखें। ठीक है, वहाँ पे क्या दे रखा है आपके एग्जाम में, वो लिखना जरूरी है। यहाँ पे 3-methyl, ठीक है, ये कैसा है ये तो बता दिया। और आपका बेंजीन, देखो ये आपका रिंग, यहाँ पे जब इसका सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपका पेरेंट रिंग कौन सा बनेगा, ये आपका फिनोल ना बनकर पेरेंट रिंग कौन बनेगा, बेंजीन बनेगा। यानी ऐसे समझ लीजिए, जब फिनोल को पेरेंट रिंग लेते हैं तो ये नाम बनता है, और बेंजीन को पेरेंट रिंग लेते हैं तो आपका जो नाम बनेगा वो लिख रहा हूँ, बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे OH यानी क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल का हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, OL सफिक्स यूज करते हैं। जब इसके साथ आपका दोस्तों OL जुड़ेगा तो ये E गायब हो जाएगा, यानी इसका क्या नाम बनेगा, बेंजेनोल। क्या नाम बन गया, बेंजेनोल। तो ये इसका दोस्तों सिस्टमेटिक हो गया, और ये इसका आपका प्रेफर्ड आईपीसी नेम हो गया। यानी ऐसे समझ लीजिए, फिनोल को पेरेंट रिंग लिया तो ये बना, बेंजीन को पेरेंट रिंग लिया तो ये आपका नाम बना। इसके देखिए अदर जो नाम है, अदर नेम की भी बात कर लेते हैं। एक तो आपका मेटा क्रिसोल है, और एक है इसका आपका 3-crisol। ठीक है, उसके अलावा इसको हम ये भी कहते हैं 3-hydroxy टोलुइन।
देखिए, जब हम अपना पेरेंट रिंग किसको लेते हैं, इस टोलुइन को पेरेंट रिंग ले लेते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। थ्री पे कौन जुड़ा? ओ एच। एल्कोल का हम प्रेफिक्स क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी, तो 3-हाइड्रोक्सी और टोलुइन। तो यहाँ पे दोस्तों हम पेरेंट रिंग के रिंग बदलने पर अपना इसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। और देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दो जो नाम बचे हुए हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको वाइप आउट कर देते हैं। इसका ये भी नाम बनता, देखिए आपका मेटा क्रिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं आपका 1-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल, और उसके बाद आपका पेंजीन, देखिए इसको समझ लेते हैं ये आपका नाम कैसे बना। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका नाम ऐसे बनेगा, देखो ये रहा आपका दोस्तों बेंजीन, यहाँ पे ओ एच जुड़ा हुआ है, यहाँ सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे हमने इसको किसके फॉर्म में ले लिया, ओ एच को, मतलब सेकेंडरी ले लिया, ठीक है, यानी मेन नहीं लिया, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया। मेन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं उसका हम क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स। और हमने यहाँ पे इसका क्या यूज़ किया? प्रेफिक्स। तो ओ एच का प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी आ गया, और थ्री पे कौन जुड़ा है? मैथिल। और यहाँ पे आपका पेरेंट चौन कौन है? ये आपका बेंजीन, तो इसका नाम लिख दिया बेंजीन। ओके, तो इसके अलग अलग तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, और इसका प्रेफर्ड जो IUPAC नेम है वो होता है आपका 3-मेथिल फिनोल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। देखिए वीडियो ये थोड़ा लेंदी हो गया है हमारा,